am Kavita Chakravarti, a teacher of Adarsh Vidya Mandir, Jalo. हमारे इसमें हम पढ़ लेते हैं ग्लोसरी। तो ग्लोसरी में हम देखते हैं आज की ग्लोसरी क्या क्या है। सबसे पहले है कैरिंग। क्या है कैरिंग? बोलिए सी ए आर आर वाई आई एन जी। कैरिंग यानी किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, उसे कैरिंग कहा जाता है। ठीक है, अब है स्टेप्ड। एस टी ई डबल पी ई डी स्टेप्ड। स्टेप्ड यानी कदम रखा। पील पी डबल ई एल पील। पील यानी छिलका। स्कैटर्ड एस सी ए डबल टी ई आर ई डी। स्कैटर्ड यानी बिखर गए। पिक्ड अप पी आई सी के ई डी पिक्ड। यू पी अप पिक्ड अप यानी उठाया। डस्ट बिन डी यू एस टी बी आई एन डस्टबिन। डस्टबिन का मतलब होता है कचरा पात्र। ब्लेसिंग बी एल ई डबल एस आई एन जी। ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद। ठीक है, अब हम आए एक्टिविटी वन। एक्टिविटी फर्स्ट में है ऑब्जेक्ट टाइप के हैं, टिक मार्क करना जो भी है, हमें जिस पे हमारा सही आंसर है उस पे हमें उस अक्षर को का टिक मार्क करना है। ठीक है, सबसे पहले है एन ओल्ड लेडी वाज गोइंग टू। अब बताइए आप कि ओल्ड लेडी कहाँ जा रही थी? कहाँ जा रही थी? हॉस्पिटल? नहीं। कहाँ जा रही थी? मार्केट जा रही थी। तो मार्केट कहाँ लिखा हुआ है? डी नंबर पर। तो ओल्ड लेडी कहाँ जा रही थी? मार्केट जा रही थी। द ओल्ड लेडी स्टेप्ड ऑन द पेल ऑफ। उसका जो ओल्ड लेडी यानी बूढ़ी महिला था थी, उसका पैर कहाँ पर पड़ा? एप्पल के छिलके पर? नहीं। ऑरेंज पर? नहीं। कहाँ पड़ा? बनाना यानी केले के छिलके पर पड़ा। वेरी गुड, आप लोग सब जानते हैं ना। The old lady said to Meena, old lady ने मीना को क्या कहा? सॉरी कहा? नहीं, क्या कहा? थैंक यू। सही है, जब आपको भी कोई काम करता है, अच्छा काम करता है, तो आपकी मदद करता है या कुछ करता है, तो आपको क्या कहना चाहिए? थैंक यू। ठीक है, अब है हम प्रश्नोत्तर पे आए। अब उन्होंने प्रश्नोत्तर में ये कहा है, कौन सा प्रश्न है? सबसे पहले देखना पड़ेगा। पहला प्रश्न हमारा है व्हाट वाज द ओल्ड वूमेन कैरिंग। बोलिए बूढ़ी महिला क्या ले जा रही थी? क्या लेकर के जा रही थी वो? हाँ जी, फ्रूट्स लेकर के जा रही थी। लेकिन किस में लेकर के जा रही थी? बास्केट में भर के, है ना, यानी टोकरी में। बास्केट यानी टोकरी। तो इसका आंसर है द ओल्ड वूमेन वाज कैरिंग ए बास्केट फुल ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, वृद्ध महिला फलों से भरी हुई एक टोकरी ले जा रही थी। हु हेल्प द ओल्ड लेडी टू स्टैंड। अब किसने सहायता करी थी बताइए बताइए? हाँ जी, किसने करी थी सहायता? मीना ने। तो हमें WHO लिखा है ना, इस WHO को हटाना है और हमें उस जगह उसका नाम लिखना है मीना। ठीक है, अब मीना लिखा और पूरा का पूरा प्रश्न वैसे ही उतार दिया हमने। देखिए हु की जगह हमने क्या लिखा? मीना।
और है हेल्प्ड की जगह हेल्प लिखा, द की जगह द, ओल्ड लेडी टू स्टैंड, मीना ने वृद्ध महिला की खड़े होने में सहायता करी। अब है हमारा तीसरा प्रश्न, वेयर डिड मीना थ्रो द बनाना पील। अब मीना ने कहाँ फेंका था वो छिलका उठा करके, उन्होंने मीना ने कहाँ फेंका था, डस्टबिन में, ठीक है। तो मीना, अब ये थ्रो है टी एच आर ओ डब्ल्यू, तो आपको बस लिखना है टी एच आर ई डब्ल्यू थ्रो, द वही का वही बनाना पील इनटू ए डस्टबिन, ठीक है। कहाँ फेंका था उसने, डस्टबिन में फेंक दिया था। अब है व्हाट डिड द ओल्ड लेडी गिव टू मीना, अब ओल्ड लेडी ने मीना को क्या दिया था, क्या केला दिया था या एप्पल दिया था, नहीं उन्होंने आशीर्वाद दिया था, ठीक है। तो द ओ आंसर है द ओल्ड लेडी गिव, गिव का गिव हो गया, ब्लेसिंग टू मीना, ब्रज महिला ने मीना को आशीर्वाद दिया। अब सी नंबर है इसका, सी नंबर में ऐसा है आपको ऐसा करना है, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, बहुत प्रकार के इस टोकरी में बहुत तरह के फल हैं, राइट देयर नेम्स। अब आपको उसमें देखना है, उस टोकरी में ढूंढना है उस चित्र के अंदर क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको, केला दिखाई दे रहा है, अंगूर दिखाई दे रहा है, एप्पल दिखाई दे रहा है, तो सारे चीज़ों को इंग्लिश में लिखना है। जैसे सेब दिखाई दे रहा है तो एप्पल लिख दिया आपने, ठीक है, ऑरेंज लिख दिया, अंगूर है तो ग्रेप्स लिख दिया, पपीता है तो पपाया लिखा, केला है तो बनाना लिखा, ठीक है। तो इस तरह से आपको उस टोकरी में जो फल है उसमें के ऊपर आपको ये नाम लिखना है। ये आज का होमवर्क भी है, समझ लीजिए आप, आपको ये होमवर्क करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। ऑफ द वर्ड्स ब्लो, यू मे चूज दिस वर्ड फ्रॉम द बॉक्स, आपके आगे जो लिखा हुआ है इस तरह से, पहला लिखा हुआ है ओल्ड, क्या लिखा हुआ है ओल्ड, तो ओल्ड का क्या बनेगा, अपोजिट, अपोजिट का मतलब होता है उल्टा, अपोजिट का मतलब होता है उल्टा, यानी ओल्ड है तो हमें ओल्ड की जगह ओल्ड यानी बूढ़ा इंसान, ठीक है, बूढ़ा इंसान, तो हमें क्या लिखना है यंग, यंग यानी जवान, स्टार्ट, स्टार्ट यानी शुरू करना, तो स्टॉप यानी रोको, एस टी ओ पी स्टॉप, गिव है, गिव यानी देना, तो टेक यानी लेना, तो क्या पढ़ना है आपको टी ए के ई टेक, आपको इस बॉक्स के अंदर दिखाई दे रहा है, बॉक्स के अंदर से आपको लेकर के भरना है इसको, ठीक है। तो इन है आई एन इन है, तो इन यानी मे, आउट यानी बाहर, ओ यू टी आउट स्टैंड, सिट, लाफ यानी हंसना, बीप यानी रोना, टॉल शॉर्ट, फुल है, फुल यानी भरा हुआ, एम्प्टी यानी खाली, इस तरह से आपको ये काम करना है, ठीक है।